नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन आलिया एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। आइए आज के महत्वपूर्ण शैक्षिक समाचार देखते हैं। सफाई कर्मी भर्ती, नए नियमों से 10,000 से अधिक अभ्यर्थी हो जाएंगे बाहर, 1 साल का अनुभव जरूरी। नगर परिषद या पालिकाओं में काम करने वाले अभ्यर्थियों को ही प्राथमिकता। जल और दैनिक भास्कर अभियान। जल शक्ति अभियान, कैच द रेन कार्यक्रम व अन्य गतिविधियों से सीख देंगे। शिक्षा विभाग ने उठाया बीड़ा। 940 विद्यालयों के 1,50,000 बच्चों को सिखाएंगे पानी बचाना। स्कूलों में प्रदर्शित करनी होगी तस्वीरें। जितनी हो प्यास उतना भरो गिलास। चित्तौड़गढ़ भास्कर। कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में खोले थे कई अंग्रेजी माध्यम स्कूल। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को हिंदी में बदलने की कवायद। जिले में शुरुआत बस्सी से, सिर्फ नाम बदला, न अंग्रेजी के शिक्षक न सुविधाएं दी। HRRL रिफाइनरी में 126 इंजीनियर्स की भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल। अभी 126 इंजीनियर्स के पदों पर होगी भर्ती। श्रीगंगानगर जिला। लापरवाही, मुख्य सचिव ने विभागों के अध्यक्षों को बकाया DPC 31 मार्च तक करने के निर्देश दिए थे, लेकिन वैख्याता पदों पर DPC नहीं हो पाई। नया सत्र मई से पदोन्नति न होने पर शिक्षक निराश। 17,000 विद्यालयों में बच्चों को करना होगा व्याख्याताओं का इंतजार। निर्धारित तिथि तक 9 मंडलों में से केवल चूरू व पाली में ही आपत्तियाँ पर टिप्पणी भेजी गई। शिक्षक संघों की मांग, नए स्कूलों में व्याख्याता पदों की वित्तीय स्वीकृति जारी हो। जयपुर दैनिक भास्कर। मोटर व्हीकल भर्ती, दैनिक भास्कर ने उठाया मुद्दा। राज्य विशेष योग्यजन आयुक्त का सख्त कदम, नोटिस जारी। भर्ती में दिव्यांगों से हेवी ड्राइविंग लाइसेंस मांगा। अब परिवहन आयुक्त कर्मचारी, चयन बोर्ड सचिव और कौशल नियोजन निदेशक से जवाब मांगा। आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने यह आदेश भास्कर में प्रकाशित खबर पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए दिया। बीकानेर दैनिक भास्कर। नियमों में बदलाव ने बढ़ाया विभागों की चिंता। RTE 4 शिक्षा वर्ष के बच्चे आवेदन से वंचित। LKG और HKG में इस साल निःशुल्क प्रवेश नहीं। बीकानेर दैनिक भास्कर। RBSE, मई में आ सकता है 12वीं कक्षा का परिणाम। अजमेर दैनिक भास्कर। कृषि अधिकारी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आज तक होंगे। CBSE करेगी CTET के 19वें संस्करण का आयोजन। CTET आवेदन का आज आखिरी दिन, 7 जुलाई को होगी परीक्षा। पोस्ट के लिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड से अभ्यर्थियों में असमंजस। लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन। परीक्षा PTET 2024 में आवेदन की अंतिम तिथि अब बढ़ाकर 15 अप्रैल की। अभी तक PTET में 2,30,000 तक हुई आवेदन। JEE मेन 2024 अप्रैल सेशन का पहला दिन, भौतिक विज्ञान का स्तर बदला, गणित रही मुश्किल। कोटा भास्कर। जैमर और 5G सर्विलांस से परीक्षा केंद्रों पर निगरानी। अप्रैल सेशन में कुल 12.57 लाख विद्यार्थियों का है रजिस्ट्रेशन। 169 विद्यार्थी है अनुपस्थित। JEE मेन 4 केंद्रों पर परीक्षा शुरू। सर्वर धीमा होने से बायोमेट्रिक में हुई परेशानी। कोटा विश्वविद्यालय की परीक्षा में नकल के 20 मामले। नकल के लिए कहीं हथेली और प्रवेश पत्र पर लिखकर ला रहे तो कहीं मोबाइल पकड़े जा रहे। स्कूलों के लिए प्रति सीट राशि 15 रुपये तय। समान परीक्षा के पेपर आज से होंगे वितरित, टाइम टेबल जारी। 12वीं साइंस की परीक्षा में मोबाइल लेकर आई छात्रा। 3 साल तक परीक्षा से वंचित रखने का प्रावधान। 8वीं और 5वीं बोर्ड के स्थिरांक अब 29 अप्रैल तक हो सकेंगे अपलोड। जोधपुर दैनिक भास्कर। JEE के 8, 9 और 12 अप्रैल की परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। सेशन 1 और सेशन 2 का स्तर कठिन रहा। JEE मेन सेशन 2 मैथ ने उलझाया, फिजिक्स रहा मॉडरेटर,
पोस्ट एग्जाम एनालिसिस से करेंगे रिवार। JNVU चुनाव में अटका दीक्षांत समारोह, 51,000 छात्रों को डिग्रियों का इंतजार। आचार संहिता समाप्ति के बाद संभव अब दोनों सेशन की डिग्रियां देने की दरकार। कृषि अधिकारी के 25 पदों के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन। CBSE 12वीं कॉम्पिटेंसीज वालों का वेटेज 10% बढ़ेगा। JEE मेन अप्रैल सेशन की परीक्षा शुरू, बीकानेर में पहली पारी में 92.4% और दूसरी पारी में 88.26% उपस्थित रही। BE BTEC में मैथ के सवाल आए कठिन, केमिस्ट्री सामान्य, फिजिक्स का स्तर सुधरा। इंटरनल ऑडिटर व फाइनेंशियल एडवाइजर की वैकेंसी कैंसिल। 8वीं बोर्ड की परीक्षा खत्म, रिजल्ट मई के दूसरे सप्ताह में। चेकिंग में लापरवाही, फोटो जांच में सख्ती नहीं, साइन मैच न होने पर पकड़े फर्जी कैंडिडेट। मात्र 10,000 के लिए एयरफोर्स की तैयारी कर रहा छात्र बना डम कैंडिडेट, मोबाइल से नकल के मामले में सामने आए। प्रवेश पत्र पर पुराने फोटो साइन का नहीं हो पाया मिलान। RBSE ने पहली बार पकड़े 10 डमी परीक्षार्थी। इंटरनल ऑडिटर व फाइनेंशियल एडवाइजर की वैकेंसी कैंसिल। CBSE 12वीं में कॉम्पिटेंसीज वालों का वेटेज 10% बढ़ेगा। RBSE मई में आ सकता है 12वीं का परिणाम। आज का सुविचार भी देख लीजिए, अपनी कुछ खुशियां खुद तक भी रखो, लोगों को दूसरों की खुशियां ख़राब करने में मज़ा बहुत आता है। तो ये आज का सुविचार और ऊपर पूरी न्यूज। रोजाना न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।